नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान और छठे चरण के मतदान में योगी आदित्यनाथ की सीट, गोरखपुर की सीट, गोरखपुर शहर में क्या होगा। इस वक्त हम गोरखपुर शहर की सीट पर खड़े हैं, यह रसूलपुर का इलाका है। लेकिन इस रोड को पार करेंगे, इस रोड को पार करके इस गली में अगर आप आ जाएं तो ये इलाका हो जाता है गोरखपुर ग्रामीण की सीट। दो विधानसभाओं के लोग हमारे साथ में हैं और वोटिंग की आखिरी रात है, और आखिरी रात में वोटर क्या मन बना रहा है, वोटर के मन में क्या है और कल सुबह क्या खेला होगा, लोग आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के, गोरखपुर के लोग आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, ये सवाल है। अब वोट के लिए जा रहे हैं कल सुबह है? हाँ, कल वोट सुबह देंगे। क्या क्या है गोरखपुर के लोगों के मन में? मेन मुद्दा वही बेरोजगारी और महंगाई है। अच्छा, तो यहाँ पर मेन मुद्दा तो योगी आदित्यनाथ है, मठ है। नहीं, बेरोजगारी और महंगाई पर ही चुनाव होगा, वोट दिया जाएगा। हाँ। और हम तो ग्रामीण विधानसभा, यहाँ से तो 100 कदम दूर पर है मठ, जो है गोरखपुर नाथ मठ है, वो 100 कदम दूरी पर है। हाँ, बस 50 मीटर मान लीजिए। तो फिर उसके इतने पास भी आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव नहीं है? नहीं, हम लोग विकास और महंगाई के मुद्दे पर वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है कल युवा क्या लोग सोच करके वोट करेंगे? समाजवादी को वोट करेंगे। विकास के नाम पे इन्होंने विनाश किया है। क्या विनाश किया? विनाश यही बगल में मठ है, बगल में दिखा दीजिए, थोड़ा सा खाली रोड दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, यही मंदिर है, बगल में मठ है बाबा जी का, ये रोड देख लीजिए, पानी दिखा दीजिए, क्या स्थिति है। किस नाम पे बाबा वोट पाएंगे, किस नाम पे पाएंगे? सरसों का तेल 75 रुपया था, 200 रुपया होगा, 450 का सिलेंडर आज 1000 रुपये का होगा। गोरखपुर में भी रामराज नहीं आया अभी। रामराज कहाँ आया भैया, विनाश हुआ है, सिर्फ विनाश हुआ है गोरखपुर में। हाईवे बनवा देने से जो है, सिर्फ हाईवे बनवाए उन्होंने, मोहल्ले की गली। हाईवे कहाँ बनवाए, हम लोग जो है वो प्रयागराज में थे, और प्रयागराज से फिर मऊ, और फिर मऊ से हम लोग यहाँ तक आए हैं, और करीब 100-150 का किलोमीटर का रास्ता होगा मऊ का। आप भैया 105 किलोमीटर, और हालत खराब हो गई हमारी मऊ से यहाँ आने में। बड़ा खराब रोड है मऊ से और यहाँ तक का। तो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नहीं, सही है। मऊ से और गोरखपुर का रोड कैसा है? बहुत खराब है, बहुत खराब। अरे क्या नाम है, कांग्रेस के जमाने से जो है बन रहा है, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से रोड है, कहाँ से गड्ढा है, कहाँ से बन रहा है। बहुत गड्ढा, बहुत गड्ढा है, हालत खराब कर दिया। हाँ, हालत खराब हो जाएगी। क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोचना है भाई, वो तो वक्त बताएगा, आप कल ही जो है पता चलेगा। हाँ, हाँ। फिर भी वोटर के मन में क्या है? अब वोटर आप क्या आवाज सुन रहे हैं? हाँ? आवाज क्या सुन रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? आवाज तो कुछ नहीं सुन रहे, आवाज सब दबी हुई है, साइलेंट है। हाँ, साइलेंट है। देखिए क्या होता है, साइलेंट किधर जाएंगे लोग, अब तो वही बताएंगे। योगी की तरफ जाएंगे? योगी की तरफ जाएंगे। किधर है ये जो लॉकडाउन जो लगा हुआ है, आप पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, बेरोजगारी वहाँ से हुई है। हाँ, कहाँ से दे, योगी जी अपने घर से नहीं देंगे, कोई भी सरकार अपने घर से थोड़ी ना देगा। हाँ, बताइए सब, कौन सी सरकार लेकर के आए जो घर से दे दे, सरकार के घर? सरकार तो कोई भी अपने घर से नहीं देगा, तो कहाँ से आएगा रोजगार? रुको, रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार, रुको भाई, अरे रुको, बोले दो यार, बोले दो इनको, इनका बोलेगा क्या? रोजगार भाई, अब रोजगार सरकार आएगी, रोजगार सरकार आएगी, फिर योगी सरकार आएगी तो अपना रोजगार देंगे। अभी भी तो डबल इंजन की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार तो है, फिर तो अभी तो जब सरकार बनेगी तब तो कुछ करेंगे। 5 साल सरकार तो बनी ना, चली ना 5 साल। हाँ, 5 साल चली है, तो 5 साल के बारे में पूछ लीजिए लोगों से क्या क्या बना है। 5 साल में 3 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई है। भर्ती नहीं हुई है, हम तो बहुत कुछ हुआ है, मतलब देख रहे हैं, मतलब कि एम्स भी बन गया, और ये खाद कारखाना भी जो है, एक एम्स बना है, एक फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर बना हुआ है। हम लोग सुन रहे थे अभी, हम लोग बात करके आए सब्जी मंडी में, उधर तो फर्टिलाइजर में यहाँ के लोग को नौकरी नहीं है, बोल रहे गुजरात के लोग ज्यादा वो ले रहे हैं। अरे सर, मतलब कि एक बैग तो कोई चीज होगा नहीं, पढ़े लिखे जो शिक्षित आदमी तो उनको तो नौकरी मिलेगा ही। अरे आपको फर्टिलाइजर में नौकरी नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल किसी को नहीं मिला यहाँ पे। भैया कह रहे मिल रहा है, वो भैया को मिला होगा, बताइए उनको मिला है, पूछ ली उन्हीं से, पूछ ली नहीं भाई उन्हीं से, पूछ देखिए। अच्छा ये बताओ, कितने लोग को ऐसा जानते हो जहाँ पर फर्टिलाइजर में नौकरी कर रहे हो इधर?
और कितने लोग को जानते हो? ये तो सर हमको नहीं मालूम है कितने लोग हैं। बिहार के लोग तो लगे यहाँ भरे हुए हैं, बिहार के लोग को लिया के भरे हुए हैं, गोरखपुर का कोई ऐसा आदमी नहीं है। कितना लोग ऐसा है जो यहाँ पे अभी बेरोजगारी की बात हो रही थी ना, बेरोजगारी की, तो फर्टिलाइजर यहाँ पे बना, फर्टिलाइजर में कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको आप जानते हो जिनको नौकरी मिली हो? और जो सर जो पढ़े लिखे हैं छिछिक आदमी उनको नौकरी, यहाँ गोरखपुर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसको भी नहीं मिला, नहीं मिला। गोरखपुर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जिसको आप जानते हो जिसको नौकरी मिली हो? पढ़े लिखे हैं बहुत सारे, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिली? सर अगर जो मिलेगी ना, जो पढ़े लिखे किसी को जानते हैं जिसको नौकरी मिल रही हो? नहीं सर हमको तो नहीं मालूम है। देखिए यहाँ पर ही फेल हो गए। ठीक है यहाँ लेते हैं। हाँ। अच्छी अच्छा ये, अरे रुको रुको यार, भागो मत, बात करो, आज तो मौका है तुम्हारे पास में। हाँ आप बताइए क्या देख रहे हैं? बतियाने बतिया लीजिए, हम सुनो नहीं, सुनो सुनो। देखिए हम एक ही बात कहेंगे, यूपी में सूचना जारी है, चिलम पे साइकिल भारी है, वैसे यार कुछ नहीं कहेंगे। क्यों चिलम पर क्यों भारी है? अभी नहीं मालूम, साइकिल हवा, साइकिल की हवा चल रही है, इस पर साइकिल ही आएगी। अरे यहाँ पे गोरखपुर में है हम लोग, हम मालूम है गोरखपुर में है, फिर गोरखपुर में भी सऊदी की बात नहीं कर रहे, अमरीका, हम लोग गोरखपुर में ही खड़े हैं, गोरखनाथ में खड़े, मंदिर के बगल में खड़े, मुख्यमंत्री के पड़ोस में खड़े हैं, फिर मगर इस बार सब वोट साइकिल को जा रहा है, सब सब कास्ट का वोट साइकिल को जा रहा है। गोरखपुर से हार जाएंगे फिर? नहीं सदर से नहीं हारेंगे। अच्छा शहर से वो अपनी सीट बचा लेंगे, अपनी सीट बचाएंगे, बाकी सीट हार जाएंगे वो। आप क्या देख रहे हैं कल चुनाव के लिए? कल चुनाव पूरा परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी है गोरखपुर में, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हासी अब जा रही है। आप कार्यकर्ता हैं? नहीं मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। अच्छा मैं इस सरकार का छलावा हूँ, इस सरकार ने मेरा शोषण किया है, नौकरी के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, मैं आज भी बेरोजगार हूँ। एम्स आ गया, फर्टिलाइजर आ गया, ये बताइए स्थानीय मुद्दों के देख लिया जाए, अगर एम्स और फर्टिलाइजर आए तो कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया गया एम्स और फर्टिलाइजर में, आप बताइए। आपके साथ क्या चला हुआ? नहीं मैं तो कह रहा हूँ 2016 में मैंने पेपर भरा था अखिलेश यादव की गवर्नमेंट का, अब 5 साल में केवल डेट पे डेट देने का काम किया, डेट दिया, वैकेंसी कोई नहीं कराई, मैं दिसंबर में 5 साल बाद भी पेपर कराया जा रहा, हर साल लड़का जब पेपर की तैयारी करता है तो कितना घुट घुट के मरता उसका अंदाज़ा जो तैयारी करता उसके, कभी आपने भी तैयारी किया होगा तो उसका अंदाज़ा आप बेहतर लगा सकते होंगे किस तरीके से। ये बताओ हम ये जान रहे हैं कि ये रोजगार और महंगाई इसके नाम पे वोट पड़ता है क्या? एकदम पड़ता है, पड़ना चाहिए। जिस देश में कहा नहीं गया है, किसी ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ धर्म की अफीम पिलाई जाए, तो धर्म ही तो चल रहा है, तो आज इसीलिए तो बेरोजगारी है। जो वही तो कह रहे फिर लोग बेरोजगारी पे वोट करेंगे, जो बेरोजगारी 2017 में 2.5% थी आज 4.5% है, जो नौजवान 1,77,00,000 बेरोजगार था आज उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोग बेरोजगार है, क्यों माने नहीं रखता है? 1 करोड़ पे वोट होगा, 1,77,00,000 पे हाहाकार था, आज 3 करोड़ है, हाहाकार नहीं पूरा जनसैलाब उभर जाएगा, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार हाशिए पे जाने के लिए केवल नौजवान ही काफी है। अरे वो इतना काम कराए हैं, यहाँ आप लोगों को सुरक्षा दे रखा है, यहाँ से गोरखपुर का नाम जो है वो तूती बोलती है। आपको मैं बता दूं, जब ये पेट जलता है, जब पेट में दाना नहीं पहुँचता है, घर परिवार के लोग टोटल लोग परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा बेरोजगार है, वो क्या करेगा, वो कैसे अपना भविष्य उज्जवल करेगा, कैसे आगे के फ्यूचर को आगे बढ़ाएगा, कुछ नहीं, केवल बेरोजगारी प्रथम मुद्दा, नौजवान काफी है, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नौजवान काफी है। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह, सही कह रहे हैं। रोजगार पर वोट पड़ेगा इस बार? अरे हम लोग का सब लोग का काम खराब हो गया, रोजगार पे वोट तो पड़ेगा ही। अच्छा आप बताइए, हाँ, क्या बता रहे हैं? इधर गोरखपुर मठ के बगल में रहते हैं, हाँ। अभी तो अरे लड़का से बात करिए, खत्म नहीं किए योगेंद्रनाथ यादव, दरबार लगता सारी बात, क्या कर पाएंगे, बड़े लोग की सेवा करेंगे कि हम लोग सेवा करेंगे? आप लोगों की सेवा नहीं है, कोई सेवा, इनके घर का एक आम बजट को देख लिया जाए, आम बजट अगर 6,000 था तो आज की डेट में 12,000 है आम बजट घर का, ये महंगाई का स्तर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अरे महंगाई है तो क्या हुआ, बाकी तो बहुत कुछ किया। क्या किया आप बता दीजिए, क्या किया आप बताइए ना, सोनभद्र आप बताइए, रुके रुके, सोनभद्र में आज मोदी जी कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है इसीलिए भारत यूक्रेन से हमारे छात्र आ पा रहे हैं, वो बताओ आप महंगाई को लेकर के बैठे हो यहाँ पे, छात्र मर, ये बताइए वो छात्र लोग मर गए उनका नहीं कुछ है, उनकी हत्या कर वहाँ पे वो लगातार फोन कर रहे थे, कहते कि मैं छात्राओं से फोन कर बात किया, जो एयर 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 इंडिया का टिकट अगर 60,000 का था वो 1,20,000 डबल, कहते नहीं योगी जी आपदा को अवसर बना दिया, वही किया
इन्होंने आपदा को अवसर बनाया। अच्छा ये नौजवान ये बताओ, आप बताओ भाई आप क्या सोच रहे हो? अरे रुको यार, ये लोग डरता है क्या इधर, ये बात नहीं करता, क्या दिक्कत? बहुत डरते हैं, बगल की वजह से डरते हैं ना। अच्छा हाँ, मगर वोट साइकिल भी पड़ेगा। क्या क्या डर क्या है? है डर क्या है? डर क्या, सरकार फिर से ना आ जाए, सरकार फिर से आ जाएगी तो इनकी टंगैया हो जाएगी, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। हाँ और कुछ नहीं, आपके सामने ही है, हम लोग बोलने से डरते नहीं है किसी से। क्या क्या देख रहे हैं कल वोटिंग के लिए आप? अब पब्लिक विकास पे वोट देना चाह रही है, जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास के नाम पे वोट देना चाह रही है। विकास तो योगी जी कर रहे हैं ना? विकास योगी जी एक दिखावे के हिसाब से हो रहा है जो है, विकास तो कोई खास नहीं हुआ है। गोरखपुर में विकास नहीं है? हाँ गोरखपुर शहर में थोड़ा बहुत जो है हुआ है रोड के नाम पे, जो और कोई खास नहीं हुआ है। और आज के युवा के लिए ज़्यादातर मायने जो है उसका कैरियर होता है, जब कैरियर ही सिक्योर नहीं रहेगा तो और सारी चीज़ें तो बेकार है ना हमारे लिए। और जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो भाई हम क्या खाएंगे? हमको खाने के लिए सबसे पहले चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 10 किलो राशन दे दिए उससे पेट भर जाएगा, हमारा घर का खर्चा चल जाएगा, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, ये सब तो हो नहीं सकता है। मेन चीज़ तो ये है कि हमारी आय कितनी है, हमारा कैरियर सिक्योर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इस बार वाकई महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी का पेट भरना और कोई काम करने के लिए जो है बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है आदमी। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात हो। महंगाई और बेरोजगारी मठ पर भारी, ये जो है वो यहाँ से निकल करके आ रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है वो गोरखनाथ के मठ पर अगर भारी पड़ रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो इस बार किस ओर बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार क्या इबादत लिखेगा, ये जो है वो आप गोरखपुर शहर में खड़े होकर के अगर महंगाई और बेरोजगारी मठ पर भारी तो फिर अपने आप में जो है वो एक नई लकीर यहाँ से खींच जाती है। तो बहरहाल इसी तरह से आपको अलग अलग पोलिंग बूथ पर, विधानसभाओं में, गांव, शहर, कस्बों में लेकर के जाएंगे, लोग सोच क्या रहे हैं, कितना लोगों के लिए विकास ज़रूरी है, महंगाई, सुरक्षा और ये तमाम मुद्दे जो हैं उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, या इस बार वोट जो है वो हिंदू मुसलमान पर पड़ रहा है। यहाँ पर एक भी लोगों ने बात नहीं किया, महंगाई और बेरोजगारी जो है वो मठ पर भारी, ये यहाँ पर लोग जो है बात कर रहे हैं। तो बहरहाल इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।